तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक मैगी नूडल्स। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 पैकेट मैगी के, 1 शिमला मिर्च, चॉप्ड गार्लिक, 1-2 प्याज चाहिए होंगे, स्लाइस्ड रेड चिली सॉस और बटर। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे बटर। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गार्लिक जो हमने चॉप किए हुए हैं। तो गार्लिक को हमें अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि गार्लिक का ही तो फ्लेवर लाना है हमें अपने मैगी में। तो गार्लिक को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे हम लोग। जैसे ही हमारा गार्लिक अच्छी तरह से लाल या ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, अपने प्याज हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने प्याज गार्लिक में डाल के उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अच्छी तरह से पकाना नहीं है हमें प्याज को, प्याज को जस्ट मतलब हाफ कुक करना है, ताकि वो जस्ट स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमने, तो हमें अपनी शिमला मिर्च डाल देनी है उसमें। शिमला मिर्च डाल के जस्ट 1 मिनट उसे कुक करना है, क्योंकि शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। जैसे शिमला मिर्च हमारी कुक होनी शुरू हो जाए 1 मिनट के बाद, हम इसमें डाल देंगे अपना नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हम डाल सकते हैं इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। अगर आप चाहें तो मैगी मसाला आप बाद में भी डाल सकते हैं, जब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। मैंने इसमें पहले डाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया हमारे तड़के में। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। अगर आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू, बिकॉज ग्रीन चिली से और चिली का भी फ्लेवर आ सकता है। मैंने सिर्फ रेड चिली सॉस डाली है। इसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। आप ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेवी मैगी बनाना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 2 कप लिया है। पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी मैगी। पानी को पहले सिमर ज़रूर कर लें, उसके बाद मैगी डालने के बाद इसे पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। ढक के भी रख सकते हैं आप और खुला भी छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं न्यू रेसिपी लाता रहता हूँ। तो 2 मिनट के बाद मैगी हाफ कुक हो चुकी है। हमें 1-2 मिनट के लिए इसे और पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और पानी सारा सोख हो जाए। अब 1-2 मिनट के बाद मैगी हमारी बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।